तो आज मैं लेके आया हूँ डे 6 नई क्लास, जिसमें सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ क्रिम्पिंग के बारे में। अभी तक काफ़ी लोगों ने सुना होगा क्रिम्पिंग के बारे में, बट किसी ने करके नहीं दिखाया कि स्पेशली हेयर डू में अलग तरीके से क्रिम्पिंग होती है। पहले मैं क्रिम्पिंग टूल के बारे में बताऊँगा, फिर क्रिम्पिंग करके दिखाऊँगा कैसे की जाती है। ओके, तो कितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सब लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। हमारा अभी एक सीरीज चल रहा है हेयर स्टाइलिंग का, जिसमें हम अलग अलग क्लासेस ले रहे हैं। आज डे 6 है, जिसमें मैं सिखा रहा हूँ क्रिम्पिंग के बारे में। पहले फर्स्ट डे सिखाया था मैंने प्री हेयर स्टाइलिंग के बारे में, फिर ड्यूरिंग हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, फिर ड्रायर के बारे में, फिर टोंग सेटिंग के बारे में, देन आयरनिंग सेटिंग के बारे में, एंड अभी सिखा रहा हूँ क्रिम्पिंग सेटिंग के बारे में। तो हमारा डे 6 है। एवरी डे मैं कुछ ना कुछ नया लेके आता हूँ, और ये क्लासेस जैसे हमने लॉकडाउन में 200 के करीब क्लासेस की थी, मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि अभी इसी तरीके से इस क्लास को आगे बढ़ाया जाए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि शायद कलर की क्लासेस भी दोबारा ली जा सकती हैं लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा इसी तरीके से। ओके, चलिए आयरनिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं, सॉरी क्रिम्पिंग के बारे में। तो कितने लोगों को पता है कि क्रिम्पिंग जो ब्लेड्स प्लेट्स रहती हैं वो कौन सी होनी चाहिए? किसी को पता है? आजकल जो चल रही हैं उसको बोलते हैं माइक्रो क्रिम्पर। ओके, ये कौन कौन से ब्रांड में आता है? मैं ऑनलाइन खरीद लेता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी ब्रांड हो, बट स्टिल उसका काम अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले मैंने ट्राई किया है, यूज़ किया है, मेरे पास है अभी भी आइकॉनिक, सॉरी मैंने के कुछ और ही बना दिया है, आइकॉनिक। ओके, उसके बाद आता है एलन ट्रूमैन, फिर आता है बेबीलेस। ये सब के साथ प्रो लगाओ तभी आप सामान खरीदना, ऐसे मत खरीदना। इसको बोलते हैं प्रो नैनो, बेबीलेस को। ओके, फिर आता है हॉट टूल्स का। ओके, फिर आता है बेड हेड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट GHD प्रोफेशनल, GHD ब्रांड। ओके, तो इन सब में सबसे कॉमन चीज है आपको लेनी है माइक्रो क्रिम्पर। ओके, माइक्रो क्रिम्पर कैसा दिखता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। सबसे पहले उसके जो प्लेट्स हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं, कुछ में ज़्यादा गैप होता है, कुछ में कम गैप होता है। जैसे कि मेरे पास ये वाला क्रिम्पर है यहाँ पे। ओके, तो इसमें क्या है आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो ये जो प्लेट्स हैं, ये जो बेंड हैं, वेव हैं, ये बहुत पास पास में हैं। तो जब भी हमें क्रिम्पिंग करनी है हेयर स्टाइलिंग में, ऐसे वेव पास पास में होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर दूर दूर होंगे तो उसको माइक्रो नहीं बोलते हैं, और उसमें अच्छा क्रिम्पिंग भी नहीं आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ऐसा कुछ खरीदें जिसके ये वेव बाजू बाजू में हो, पास पास में हो, ज़्यादा दूर ना हो। और ये 1 इंच से लेके 2 इंच तक यूज़ कर सकते हैं। मैं 2 इंच वाली यूज़ करता हूँ, मेरे पास जो साइज़ है, आप 1 इंच वाली भी ले सकते हो। ओके, तो इसको बोलते हैं माइक्रो क्रिम्पर। इसमें टेम्परेचर आता है अलग अलग, जो मैंने बताया था। टेम्परेचर को 2 अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग तरीके से मापा जाता है। एक है सेल्सियस, एक है फ़ारेनहाइट। इंडिया में हम लोग ज़्यादा एशियन कंट्री में सेल्सियस यूज़ करते हैं। वहाँ पे जो टेम्परेचर आता है वो स्टार्ट होता है 160 डिग्री सेल्सियस टू 240 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ US एंड कैनेडा में जो यूज़ होता है वो होता है 280 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 455 डिग्री फ़ारेनहाइट।
जो हमारी टेम्परेचर मशीन होती है उनके ऊपर यहाँ पे लिखा रहता है। ये इंडिया वाली है जिसमें लिखा हुआ 160 से लेके 220 तक है, और जो अमेरिका वाली है उसके अंदर जो फेरानाइट है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास टोम के ऊपर है 280 से लेके 455 तक। तो ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा जब भी आप खरीदो तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के ही सामान खरीदें। ये प्रोडक्ट आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, जहाँ से आपको सस्ता मिलता है। वैसे मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके बाय कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से भी, अमेज़ॉन से देख सकते हो अगर आपको सस्ता मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ और बताऊं कि जितने भी मैंने क्रीम पर बताए हैं इनका मैं यहाँ पे फोटोज़ शेयर कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो, ये फ़ोटो से आप खरीद सकते हो। मैं सबसे पहले दिखाने वाला हूँ आइकॉनिक, उसके बाजू में एलन ट्रूमर, फिर बेबीलेस, Hot Tools, Bedhead and GHD। ये सारे क्रीम पर आप रेंज है जो कि प्रोफेशनल है, बेस्ट हैं, आप ले सकते हो, अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आप ये टूल्स लेते हो, लाइफ लॉन्ग चलते हैं। ओके, आज का टॉपिक, इसके बाद हम जाते हैं क्रिम्पिंग के ऊपर, हमने कैसे करके दिखाई है वो देखिएगा। बट जाने से पहले, वो देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेड कलर का बटन है नीचे उसको दबा दें, और बाजू में थम्स अप मतलब लाइक का बटन है उसको ज़रूर दबाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हमेशा हम जब भी वीडियो लाइव आएँ या वीडियो डालें आपके पास मैसेज आए, तो आप बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। सब्सक्राइब रेड बटन के बिल्कुल बाजू में है बेल का आइकन, उसको दबाएं तो हमेशा जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल पर घंटी बजेगी। यस, तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पे, इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें, बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें अपलोड करते रहते हैं, बहुत हेयर टिप्स डालते रहते हैं, वीडियोस डालते रहते हैं, लाइव आते रहते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज देते रहते हैं, और जो इवेंट्स होते हैं जिसमें मैं जाता हूँ उसके बारे में बताता रहता हूँ, और यहाँ पे हमारे जो न्यू कोर्सेज़ हैं इंस्टाग्राम पे वो भी अपलोड करते रहते हैं। तो ये हमारा एक नया कोर्स आ रहा है हेयर एक्सटेंशन का, ज़रूर फॉलो करें, पेड कोर्स है। इसमें अगर आपको फ़ीस पूछना है तो फ़ोन मैसेज कर सकते हैं, नीचे फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा है आपको। तो ये कोर्स हेयर एक्सटेंशन में क्या क्या सिखाने वाला हूँ, लिंक इन हेयर एक्सटेंशन सिखाने वाला हूँ, दूसरा कैरा इन हेयर एक्सटेंशन सिखाने वाला हूँ, तीसरा टेप इन हेयर एक्सटेंशन सिखाने वाला हूँ, चौथा सीओ इन हेयर एक्सटेंशन सिखाने वाला हूँ, फिफ्थ क्लिप इन हेयर एक्सटेंशन सिखाने वाला हूँ। कुछ परमानेंट हैं, कुछ 2-3 महीने तक रहती हैं बालों में, तो ये सारी आप सीख सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो कॉल मैसेज करिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम नंबर पे, और ऐसे ही जुड़े रहिए आगे वीडियो देखने के लिए क्रिम्पिंग की जो कि मैं अपलोड करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू सो मच आज बने रहने के लिए, लाइक शेयर कमेंट करिएगा और हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। चलिए फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।